सो गाइस वेलकम बैक हो चुका है आप सभी लोगों का आज के एक अमेजिंग न्यू वीडियो में। और गाइस आज हम लोग फाइनली दोबारा से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट हार्डकोर। ओ भाई साहब, कितने महीनों बाद जाके मैं अपने इस हार्डकोर वर्ल्ड में आया हूँ और ये मेरे विलेजर्स मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मुझे भूल गए। भाई मैं ही तो तुझे यहाँ पे लाया था, भूल गया क्या? एंड वेट, मैं यहाँ पे एक विलेजर तो नहीं लाया था, मैं यहाँ पे दो तीन विलेजर्स लाया था, बट मुझे अभी यहाँ पे सिर्फ यही नजर आ रहा है। एंड मुझे तो ये भी याद नहीं मेरे पास इसमें सामान क्या क्या था। वॉट, मैंने आयरन आर्मर क्यों रखा हुआ जब मेरे पास डायमंड आर्मर है? ओ तो हमारे विलेज में तुम लोगों को याद होगा लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने काफी महीनों पहले ये विलेज बनाया था। भाई साहब कितने दिनों बाद देख रहा हूँ मैं इस विलेज को। वो एक गोलेम यहाँ पे भी है। नाइस, हमारे विलेजर्स खुद ही विलेज में आ चुकी है, ये काफी अच्छी बात है। और भाई आज भी हम लोग इसमें कुछ ना कुछ ऐड करने वाले, जैसे मैंने तुम लोगों को कहा था कि हम लोग हर हार्डकोर के एपिसोड में इस विलेज के अंदर कोई ना कोई चीज ऐड करेंगे। एंड या गाइस, अभी तक मैंने 1.20 के अंदर अपना वर्ल्ड को अपग्रेड नहीं करा क्योंकि उसके अंदर ना रिप्ले मोड वगैरह, ऑप्टिफाइन वगैरह नहीं चल रहा। इसकी वजह से मैंने ना अभी तक 1.20 के अंदर अपग्रेड नहीं करा अपने वर्ल्ड को। फिलहाल के लिए गाइस मैं अभी अपने पांडा की तरफ जा रहा हूँ, बट मुझे यार उसका रास्ता याद नहीं है मैंने उसको कहाँ बिठाया था। और भाई साहब यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे पैरट्स बैठे हुए, क्या इनको टेम कर लें? खैर अभी छोड़ो, मैं इनको टेम नहीं कर रहा क्योंकि अपनी जंगल बायोम तो बिल्कुल पास ही है, कभी भी अगर टेम करना होगा मैं आके कर लूंगा। और ये अपना पांडा भाई कैसे देख रहा है मुझे? सबसे पहले तो यार इसको खाना खिला, कितने ज्यादा दिन हो गए भूखा बैठा हुआ है यहाँ पे। एंड आज हम लोग इसके लिए एक प्यारा सा हाउस भी बनाने वाले भाई, जिसमें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला, तो जल्दी से ना अभी काम पे लगते हैं। एंड बारिश है क्या सीन है? फिर से बारिश होना स्टार्ट हो गई। बट गाइस पांडा का हाउस बनाने से पहले ना हम लोग विलेज के अंदर एक चीज ऐड करते हैं। आज यार लिटरली पांडा के हाउस बनाने के लिए ना बहुत ज्यादा सामान चाहिए और बहुत ज्यादा उसमें मेहनत लगने वाली है, तो हम लोग इतनी ज्यादा चीजें तो नहीं ऐड करने वाले। मैं सोच रहा हूँ आज ना इसमें सिर्फ पाथ से ऐड कर देते हैं हर घर के लिए। सो यार मुझे बस 2 मिनट देना, मैं जल्दी से पाथ वेज ऐड करता हूँ एंड देन तुम लोगों से मिलता हूँ। राइट गाइस, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो मैंने पाथवेज बना दी जो हर घर की तरफ जा रहे हैं और काफी सही लग रहे हैं। एंड अब हम लोग ना अपना पांडा हाउस बनाना स्टार्ट करते हैं, बट ना सबसे पहले मुझे उसके लिए जगह देखनी पड़ेगी क्योंकि पांडा हाउस जो है ना वो काफी ज्यादा बड़ा बनने वाला है। सो उसके लिए हम लोगों को काफी ज्यादा प्लेन जगह चाहिए। आई थिंक गाइस ये वाली जो जगह है काफी ज्यादा सही है, मैं इसको बस थोड़ा सा प्लेन करूंगा और ये काफी ज्यादा सही जगह है। यहाँ पे बस इसको हम लोग ना थोड़ा सा यहाँ पे साफ कर लेते जगह क्योंकि बहुत ही ज्यादा गंदी हो रही है और थोड़ा सा प्लेन भी करना पड़ेगा। ओके गाइस, हम लोग पांडा का हाउस इसी जगह पे बनाने वाले हैं, इसको बस थोड़ा सा प्लेन करना है मुझे। बाकी मैं तुम लोगों को चीजें दिखाने वाला हूँ। ये देखो भाई मुझे कितनी ज्यादा चीजें चाहिए उस पांडा हाउस को बनाने के लिए। जो तुम लोग चीजें देख रहे हो सारी चीजें मुझे चाहिए। अब तुम लोग अंदाजा लगा ही सकते हो कितना ज्यादा बड़ा हमारा घर बनने वाला है पांडा का। बट सबसे पहले ना गाइस मैं इस जगह को थोड़ा सा प्लेन यहाँ पे कर लेता हूँ। ऑल राइट, यहाँ पे हमारी जगह काफी अच्छे से प्लेन हो चुकी है, बट अभी हम लोगों को ना काफी ज्यादा मटेरियल चाहिए। वैसे ये तो मैं छोटी छोटी चीजें जमा कर लूंगा, जैसे बैम्बू हम लोगों को मिल जाएगा, बैरल भी मैं जमा कर ही लूंगा, 4 ही चाहिए। बट हम लोगों को चाहिए देखो ब्लैक कॉन्क्रीट चाहिए। ब्लैक कॉन्क्रीट सिर्फ 11 चाहिए, वैसे इतना ज्यादा नहीं है, बट हम लोगों को लाइट ग्रे कॉन्क्रीट भी चाहिए। उसके बाद हम लोगों को व्हाइट कॉन्क्रीट भी बहुत ज्यादा चाहिए और हम लोगों को नेदर भी जाना पड़ेगा। देखो हम लोगों को ना स्मूथ क्वार्ट्ज की स्लैब्स वगैरह भी चाहिए। व्हाइट कॉन्क्रीट तुम लोग देख सकते हो भाई 860 चाहिए भाई, ऑलमोस्ट 1000 चाहिए। तो सबसे पहले ना हम लोग व्हाइट कॉन्क्रीट ही जमा करते हैं। एंड व्हाइट कॉन्क्रीट के लिए गाइस चाहिए होता है ग्रेवल प्लस सैंड, और आई थिंक मेरे पास दोनों नहीं है। ओके, ज्यादा तो नहीं मिला मुझे, ग्रेवल एक स्टैक ऑलमोस्ट मिल चुका है, बट सैंड भी हम लोगों को चाहिए और ग्रेवल भी ना इनफ नहीं है, अभी हम लोगों को और भी जाके माइन करना पड़ेगा। तुम लोगों को याद होगा हमारा उस साइड पे ओशन है, वहीं पे चलते और ना माइन करके लेकर आते हैं। चलो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी सैंड तो नजर आई है, यहाँ से ना सैंड माइन कर लेते हैं पहले। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है, मेरे पास ना 4 स्टैक मैंने सैंड वहां से कलेक्ट कर लिया है। 4 स्टेक आई थिंक इनफ होगी और मुझे 4 स्टेक ना अब ग्रेवल चाहिए, बट ग्रेवल ना यहाँ पे इतना इजीली मिल नहीं रहा। मैं सोच रहा हूँ हम लोग ना नेदर में चलते हैं और नेदर में जाके कलेक्ट करते हैं। बट गाइस मैं अभी तक ना नेदर में यहाँ पे गया नहीं, तो सबसे पहले हम लोगों को ना लावा ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद हम लोगों को नेदर में जाना पड़ेगा। और ये भाई पानी अभी तक यहाँ से नीचे जा रहे हैं, रेंडर नहीं हुआ था क्या? मैं आया तो गाइस यहाँ पे लावा ढूंढने था, बट मुझे यहाँ पे काफी ग्रेवल मिल गया है। आई थिंक गाइस हम लोगों को नेदर जाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे माइन के अंदर इतना ज्यादा ग्रेवल है। वो यहाँ पे लावा है गाइस, अभी हम लोग नीचे आए तो हम लोगों को वैसे भी नेदर जाना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों को ना क्वार्ट्ज चाहिए, तो यहाँ से लावा भी लेकर ही चलते हैं। तो चलो गाइस मुझे बस 2 मिनट दो, मैं जल्दी से यहाँ से ऑब्सीडियन कलेक्ट करता हूँ एंड देन तुम लोगों से मिलता हूँ।
ऑल राइट गाइस, मैं यहाँ पे ऑब्सीडियन लेकर आ चुका हूँ और अभी ना मैं एक टेम्पररी पोर्टल बना रहा हूँ ऐसे, इसको बाद में हम लोग चेंज कर देंगे, प्यारा सा बना देंगे, बट अभी के लिए ना मैं इसको ऐसे ही छोड़ने वाला हूँ। यहाँ पे हम लोग बस लगा देते हैं और ये एक आखिरी लगा देते हैं। नाइस, हमारा पोर्टल डन है, अब बस हम लोगों को उसको चार्ज करना है। ऑल राइट गाइस, चलते हैं अब सीधा नेदर में। ये नीचे क्या वॉइड है क्या? मुझे नीचे काफी ज्यादा ग्रेवल नजर आ रही है बट नीचे कुछ रेंडर ही नहीं हो रहा। आई थिंक हम लोग गाइस बहुत ही ज्यादा ऊपर स्पॉन हो चुके हैं। लेट्स सी, यहाँ से मैं स्टेयर बनाने की कोशिश करता हूँ, नीचे चलते हैं। भाई साहब मैं नीचे कैसे जाऊँ? भाई साहब यहाँ पे लावा आ गया गाइस, मैं जल गया। और यहाँ से हम लोग तो नीचे नहीं जा सकते भाई, इम्पॉसिबल है जाना यहाँ से नीचे। ओके गाइस, मुझे एक जगह मिल चुकी है जहाँ से ना हम लोग नीचे जा सकते हैं। ये देखो भाई, यहाँ से हम लोग इजिली नीचे जा सकते हैं। नाइस, चलो जगह तो मैंने बना ली। एक बार ना मैं कोड्स देखाता हूँ इसे, ताकि मैं ना अपना घर ना भूल जाऊँ। ऑल राइट, मैंने अपने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे देख लिए और भाई मैं कैसा रास्ता बना के गया हूँ। अगर यहाँ से नीचे गया ना भाई, सीधा मरूंगा मैं। वाटर एमएलजी कहाँ कर रहा हूँ मैं? हम लोगों को गाइस ग्रेवल चाहिए और ग्रेवल ना यहाँ से नीचे की तरफ ही है। मैं सोच रहा हूँ नीचे ही चलते हैं यहाँ से। ऑल राइट गाइस, अब चलते हैं यहाँ से सीधा नीचे। भाई साहब, ओ मैं कॉक स्लेड हूँ, लिटरली भाई बच गया। ओ वेट, व्हाट, यहाँ पे फोर्ट्रेस भी है। बट यार जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं वो कलेक्ट करते हैं। नेदर में गाइस हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे ना सेफ खेलना पड़ेगा, वरना भाई काम खत्म है अपना। ये देखो, अगर मैंने यहाँ पे अभी ब्लॉक नहीं लगाया होता मैं सीधा लावा में जाता भाई साहब। चलो मेरे पास 4 स्टैक ग्रेवल हो चुकी है, बट अभी है ना हम लोगों को यहाँ से ऊपर जाना है, जिसके लिए मेरे पास ब्लॉक्स बिल्कुल भी नहीं है। ओ वैसे इतना भी ऊपर नहीं था। ओ गाइस यहाँ पे 1v2 चल रहा है, एक खत्म है और ये तो सब ही। ओके, हमारे पास अभी ग्रेवल हो चुका है, सैंड हो चुकी है, लेकिन हमारे पास अभी ना व्हाइट डाई है नहीं। व्हाइट डाई कैसे बनता है क्या? नहीं, इससे ग्रे डाई बनता है। व्हाइट डाई किससे बनता है? मैंने एक कंपोस्टर बना लिया, इससे हम लोग व्हाइट डाई बना लेते हैं, बट उसके लिए मेरे को काफी ज्यादा ये बोन मिल चाहिए होगा। ओके, मैं अभी दोबारा से नेदर में आ चुका हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से ना अभी बोन ब्लॉक लेकर जाने वाला हूँ, वैसे हमारा काम नहीं होने वाला। ओ व्हाट, आर पार हो गया। ओ भाई साहब, आई गेस गाइस मुझे नीचे नहीं आना चाहिए था, ऊपर वो वाली बायो में ना, तो शायद हम लोगों को वहां से बोन ब्लॉक मिल सकते हैं। ओ फाइनली गाइस, आई थिंक मुझे मिल गई। और वो हो रहे भाई बोन ब्लॉक, इतनी देर से गाइस मैं इस वैली को ढूंढ रहा हूँ ना भाई, इतनी ज्यादा ये दूर थी, मैं तुम लोगों को क्या बताऊं। ओ भाई साहब क्या हो रहा है, मेरे को लगा मैं मर गया, लिटरली मुझे लगा मैं मर गया, क्योंकि नीचे खाई थी। और ये देखो लेदर में घूम रहा है ये बंदा। चलो नाइस, यहाँ पे काफी ज्यादा बोन ब्लॉक है, जल्दी से इसको कलेक्ट करते हैं। 37 मेरे पास हो चुके हैं, पूरा एक स्टेक लेकर ही चलते, क्योंकि भाई ये बहुत ही ज्यादा दूर है वैली। चलो नाइस, मेरे पास 58 हो चुके हैं, अब सीधा अपने घर चलते हैं। ओके भाई, फाइनली मैं पहुंच गया अपने पोर्टल पे। चलो नाइस, एक स्टेक हमारे पास बोन मिल हो चुका है और एक स्टेक से ज्यादा हमारे पास व्हाइट डाई हो चुकी है। नाइस, एंड अगर अब मैं बनाता हूं यहाँ पे व्हाइट कॉन्क्रीट, तो हमारे पास कितने आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्टेक हो चुके हैं। ओके गाइस, मैं तुम लोगों से मिलता हूँ 2 मिनट, क्योंकि अभी हम लोगों को इसको कंक्रीट पाउडर से कंक्रीट बनाना है। ओह नो, ओ भाई साहब गाइस, तुम लोग देख सकते हो मेरे पास अभी सिर्फ 319 हुआ है, वो भी 8 स्टैक्स है, और मेरे को 860 चाहिए भाई साहब। इसमें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। ओ नो, फिर से नहीं। भाई सब आखिरी ब्लॉक पे मेरी पिकेक्स टूट गई। ऑल डन गाइस, यार अभी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ भाई, मेरे पास 1023 कॉन्क्रीट हो चुके हैं भाई। लिटरली इसमें इतने ज्यादा टाइम लग गया ना, मैं तुम लोगों को क्या बताऊँ, इतने 2-3 घंटों से मैं मेहनत कर रहा हूँ भाई साहब। फिलहाल के लिए अभी मैंने अपने कॉन्क्रीट को इधर रख दिया, जहाँ पे मैं अपना ना बनाने वाला हूँ पांडा का हाउस। और भाई साहब मेरे पास जितना आयरन था और जितना डायमंड था सब खत्म हो चुका है, ये लास्ट आइटम्स है जो मैंने बना के रखे हैं अपने पास। बाकी आयरन के लिए तो मैं यहाँ पे आयरन गोलम्स को यूज करने वाला हूँ। एंड अभी के लिए गाइस मैं बाकी बचा हुआ सामान भी कलेक्ट कर लेता हूँ जो इसमें रहता है, इतना कुछ ज्यादा भी है नहीं, बस सिर्फ ब्राउन कॉन्क्रीट थोड़ा ज्यादा है, जिसमें मुझे काफी टाइम लग सकता है। सो यार बस मुझे 5 मिनट देना, मैं जल्दी से सामान कलेक्ट करके लाता हूँ। वैसे मेरे लिए तो काफी घंटे, बट तुम लोगों के लिए वो सिर्फ 5 सेकंड है। राइट गाइस, यार फाइनली काफी घंटों की मेहनत के बाद जाके गाइस मेरे पास वो सारे आइटम्स हो चुके हैं
जो हम लोगों को अपने पांडा हाउस के लिए चाहिए। ये चेस्ट के अंदर तुम लोग देख सकते हो जो जो मुझे सामान चाहिए था मैं सारा यहाँ पे कलेक्ट करके रख चुका हूँ। अब फाइनली अपना पांडा हाउस बनाना स्टार्ट करते हैं। और एक मैं तुम लोगों को इसका पूरा स्ट्रक्चर तो नहीं दिखा रहा, मैं इस चीज का यूज करने वाला हूँ। ये एक लाइट मेटी का मॉड है, इसके तुम लोग देख सकते हो मैं आर पार जा सकता हूँ। ये मैंने क्रिएटिव में बनाया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाया ताकि मुझे इजी हो बनाने में। मुझे बता देगा कि मुझे कहाँ कहाँ पे ब्लॉक्स लगाने हैं, सिर्फ एक होलोग्राम है। सो यार अभी हम लोग सबसे पहले ना इसके यहाँ पे लेग्स बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, अभी तुम लोग देख सकते हो मेरी एक लेग यहाँ पे बन चुकी है और अभी इसी तरीके से मुझे ये तीन लेग्स और बनानी है। हाँ, काफी टाइम लगने वाला है इसमें। ऑल डन गाइस, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो जो हमारे पांडा हाउस की लेग्स हैं वो हो चुकी है यहाँ पे कंप्लीट। चारों लेग्स मैंने बना दी, अभी कुछ इस तरीके से लग रही है। अभी हम लोग ना इसका मेन जो है वो पांडा का फेस बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट गाइस, यार यहाँ पे फाइनली हमारा स्ट्रक्चर हो चुका है पूरा कंप्लीट पांडा हाउस का। तुम लोग देख सकते हो कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है यार ये स्ट्रक्चर, और पीछे से तुम लोग देख सकते हो पूरा कंप्लीट हो चुका है। और ये मैंने ब्राउन पांडा इसलिए बनाया है क्योंकि मेरे पास भी ब्राउन पांडा है। अगर तुम लोग अभी तक ये सोच रहे हो कि मैंने ब्लैक क्यों नहीं बनाया यहाँ पे, क्योंकि गाइस हमारे पास रेयरेस्ट पांडा है ब्राउन, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्राउन स्ट्रक्चर बनाया और काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ये है गाइस हमारे पांडा हाउस की बैक साइड, और इसी साइड से मैंने ना रास्ता बनाया हुआ है अपने पांडा हाउस के अंदर जाने के लिए। और ये देखो ये आ गया हमारा इंटीरियर पांडा, तो गाइस मैं लेकर आने वाला हूँ यहाँ पे। बट ये जगह तुम लोग देख सकते हो काफी ज्यादा खाली खाली, तो यार इसको थोड़ा सा यहाँ पे ना प्यारा बनाते हैं। ओ भाई साहब, तुम लोग देख रहे हो गाइस ये कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है अब। व्हाट द हेक गाइस, ये क्या है? ओ भाई साहब, गाइस मैं यहाँ पे इंटीरियर बना रहा हूँ, मेरे पास ना खाना भी खत्म हो चुका है, बट तुम लोग ये देखो ये क्या हो रहा है भाई साहब। नो वेज गाइस, मैं यहाँ पे मर सकता हूँ, मेरे पास ना फूड भी नहीं है और ये बहुत ही ज्यादा है। अबे मेरे बेम्बू तोड़ रहे साले, मेरा बेम्बू दे। ओ फाइनली मरने वाले हैं। वो गायक और आ गए। ओ नो गाइस, वन हार्ट पे हूँ मैं मरना बिल्कुल भी नहीं चाहता और मैं मरूंगा भी नहीं, ऐसे इतना कोई डरने वाली बात नहीं, बट मैं एक हार्ट पे हूँ, मेरे को बस दो फटके लगेंगे और मैं खत्म हूँ। आए जा रहे हैं भाई साहब, जल्दी से सो जाता हूँ, बारात लेकर आए क्या ये? फाइनली मैंने फार्म तो गाइस यहाँ पे बना लिया था छोटा सा, बट मैं आया नहीं था इधर क्योंकि मैं ना आलसी था। मैंने कहा यार पूरा अपना ना पांडा हाउस कंप्लीट करके देन ही यहाँ पे आऊंगा। एंड अभी के लिए मुझे चार आर्मर स्टैंड बनाने और ना वूल भी मुझे चाहिए क्योंकि मुझे पेंटिंग्स भी चाहिए। नाइस, हमारे पास 17 वूल आ चुकी है और इसकी कितनी पेंटिंग बनी है, मेरे पास स्टिक्स की थोड़ी कमी है। और ये देखो मैं इधर कारपेट लगाना भूल गया था, अब ये पूरा फेस कंप्लीट है। ऑल राइट, सारा सामान हमारे पास हो चुका है। अभी ना यहाँ पे जो रहता था मैं यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे दो आर्मर स्टैंड लगने थे और यहाँ पे भी लगने थे, बाकी अभी मेरे पास कोई आर्मर तो नहीं होगा। वैसे मेरे पास कुछ ना कुछ तो पड़ा है, मैं यहाँ पे लगा के लगा दूंगा, बट पेंटिंग अभी हम लोग लगाते, पेंटिंग जहाँ पे लगनी थी। ऑल राइट गाइस, फाइनली हमारा जो इंटीरियर है वो हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट। एंड ये कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। एंड चलो गाइस पांडा को लेकर आते हैं उसके नए घर में, और भाई मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये देखो गाइस कितना क्यूट सा हमारा पांडा यहीं पे अभी तक बैठा हुआ था, अभी मैं इसको लेकर जाने वाला हूँ। बट ये देखो यार ये कितना स्लो आने वाला है, लिटरली यार इसमें काफी ज्यादा टाइम जाएगा। फाइनली गाइस काफी हजार सालों बाद हम पांडा को तो यहाँ पे ले आए, बट यहाँ पे ना मॉब्स बहुत ज्यादा आ गए, सबसे पहले जाके सो लेते हैं। ऑल राइट गाइस, पांडे को तो हम लोग लेकर आ चुके, बट ना अभी इसके लिए मैंने यहाँ से एक जगह बना ली, यहाँ से थोड़ा सा हम लोग तोड़ लेते हैं घर को। और आई थिंक इसके लिए चार तोड़ने पड़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा ही मोटा है पांडा, और आई गेस इससे आ जाना चाहिए। हाँ इससे आ जाएगा। चलो ये लिटरली इतना ज्यादा स्लो चलता है ना भाई, मैं क्या बताऊँ। और फाइनली भाई आ गया अपने घर में। ये देखो यार ये तो यहाँ पे घूमने भी लग गया, मतलब इसको समझ आ गई कि ये इसका घर है। अभी फिलहाल तो मेरे पास पांडा एक ही, इसके लिए हम लोग साथी भी लाएंगे। तो चलो गाइस यार आज की इस वाली वीडियो में तो बस इतना ही। आई होप अब तुम लोगों को मेरी ये वाली वीडियो जरूर से अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर से जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।